हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के आज रिजल्ट थे, उसके रिजल्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। एज वेल एज अगर बात करें तो उसके कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड बातें करेंगे और चार्ट पैटर्न से बात करेंगे। टेक्निकल्स में उसके चार्ट पैटर्न एक्चुअली उसके रिजल्ट किस तरीके से नजर आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और आज की डेट में दो वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, यहां पर देख लीजिएगा। IRCTC के टारगेट जो कि 3100 रुपये आ रहे हैं, मल्टीबैगर स्टॉक है, 60% का यहाँ पर ROCE है। अगर बात करें यहाँ पर निफ्टी, यहाँ पर L&T इन्फोटेक के भी एक टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाई है, 40% के अपसाइड निकल के आ रहे हैं, मतलब 5490 रुपए पे शेयर जा सकता है और शेयर की कीमत 3800 रुपए के आसपास है। तो जाके यहां इन वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा खासा गेन आपको फ्यूचर में मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, यहां पर क्लिक करें और आपका फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए सीधे वीडियो की तरफ। डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड बहुत अच्छा चला है ये शेयर। अगर बात करें ये शेयर ने 20,000-22,000 रुपए तक जाके स्प्लिट देके नीचे आज की रेट में 3800-3900 रुपए में शेयर चल रहा है। और बात करें बेहतरीन रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, मल्टी बैगर रिटर्न इस कंपनी ने दिया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बात करें डिविडेंड की तो इस कंपनी ने इस डिक्सन टेक्नोलॉजी ने डिविडेंड देते हुए नजर आया, जो कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ इक्विटी, यहाँ पर देख लीजिए फाइनेंशियल एट द रेट ऑफ ₹1 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 2, मतलब एक रुपये का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया, वो भी फाइनल। तो इट विल टेक टाइम, सोचिएगा मत कि अभी मिल जाएगा, थोड़ा सा 1.5-2 महीने का टाइम लग सकता है, इनकी रिकॉर्ड डेट आएगी एंड फिर उसके बाद यहाँ पर ये डिविडेंड आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रुपीज़ इन लैक्स में यहाँ पर ये रिजल्ट है, यहाँ पर इस बार के रिजल्ट है ये Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। अगर हम टोटल एक्सपेंस देखते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस देखिए टोटल इनकम देखते हैं 1,84,066 से पहले 1,89,711 था, इससे पहले 76,803 था। अगर बात करें क्वार्टरली बेस पे तो यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है, वो भी अच्छी खासी, बट ईयरली बेस पे अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी जंप है। क्वार्टरली बेस गिरावट और ईयरली बेस यहाँ पर जंप है। एक्सपेंस की बात करें तो 1,77,900 का एक्सपेंस है, इससे पहले 1,82,000 था, इससे पहले 72,000। तो एक्सपेंस भी घटते हुए क्वार्टरली बेस पे नजर आए, बल्कि और ईयरली बेस पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट बिफोर पीरियड देख लेते हैं तो 6,166 लैक्सिन रुपीज़ से पहले 7,597, इससे पहले 3,954। तो ईयरली बेस पे यहाँ पर प्रॉफिट है, क्वार्टरली बेस गिरावट है, बट और यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब टैक्स वगैरह यहाँ पर सब काटने के बाद अगर हम देखते हैं तो 4,452 लैक्सिन रुपीज़ से पहले 5,729, इससे पहले 3,037 लैक्सिन रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए टैक्स यहाँ पर अच्छा खास टैक्स तो यहाँ पर है ही। बात करें यहाँ पर प्रॉफिट है जो यहाँ पर ईयरली बेस पे तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर काफ़ी अच्छी वाली गिरावट है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि इसका EPS भी दिखाता है 7.66 रुपये का, इस बार 9.90 रुपये के आसपास लास्ट मंथ था, लास्ट क्वार्टर था। अगर बात करें 5.32 रुपये का यहाँ पर लास्ट ईयर था। तो ईयरली बेस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है साफ, तो थोड़ा सा इस चीज की तरफ ध्यान देना होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी। बट इसके यहाँ पर टारगेट देखते हैं, देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर अगर बात करें कंसोलिडेशन मोड पे जा सकता है। आज के दिन लगभग 90 रुपये 2.32% का यहाँ पर जंप देखा गया है। अगर 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए लगभग फ्लैट मोड पे, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो स्प्लिट होने के बाद ये शेयर ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मोड पे लगभग बात करें पूरा महीना यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड पे इसने गुजारा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, नो डाउट यहाँ पर इसकी जैसी कंपनी यहाँ पर नज़र नहीं आती। और बात करें यहाँ पर NSE में यहाँ पर नीचे चले जाते हैं, एक बार देख लेते हैं 52 वीक हाई की बात करें 3345 और 52 वीक हाई की बात करें 21,499 रुपये पे शेयर ट्रेड किया करता था। स्प्लिट मिला है सबको 1:5 का, जिसका हम देख सकते हैं 58% के शेयर लगभग 1,64,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे भी उठाए गए हैं।
और यहाँ पर और भी चीज़ों की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब डिवीज़न हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लिट। तो यहाँ पर मतलब 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू 2 में तब्दील हुई थी, बाकी यहाँ पर कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी देती हुई नज़र आती है, बट इस बार का डिविडेंड 1 रुपये दिया है, तो थोड़ा इस चीज़ को देखना पड़ेगा। इन्होंने डिविडेंड जिस तरीके से दिया है यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने, 1 रुपये तो डिविडेंड कम होता हुआ नज़र आता है, तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न मैं यहाँ पर डिविडेंड को देख रहा था। ओके, एक तो अच्छा साइन नहीं होता। बट डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए बहुत सारी जितनी भी ये जो बिजनेस कर दिए ना, सब में PLI स्कीम मिली हुई है। अगर बात करें यहाँ पर इनके फ़ोन से रिलेटेड प्रेजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जितना भी यहाँ पर फ़ोन से रिलेटेड अगर जो एक बिज़नेस करते हैं उसमें यहाँ पर इनका PLI स्कीम है। एज़ वेल एज़ अगर बात करते हैं यहाँ पर इनकी लाइटिंग से रिलेटेड, उसमें PLI स्कीम यहाँ पर आती है। सिक्योरिटीज से सर्वेलेंस यहाँ पर PLI स्कीम आती है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो ये चीज़ें बनाते हैं उसमें PLI, मतलब PLI स्कीम की तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस वजह से ये शेयर भागता हुआ भी नज़र आया था और FII इसका चाहिए स्टॉक है। डेट की बात करें 18% का डेट है, प्राइसिंग कुछ नहीं है। 22,857 करोड़ की मिड कैप की यहाँ पर कंपनी नज़र आती है। ROC 33% का है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी है। ओके, यहाँ पर अगर बात कर दिक्सन बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ LED, LED जो बनाता है ये LED TVs बनाता है, ये कंपनी सबसे बड़ी बनाती है, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है। एज वेल एज बात करें TVs फॉर द ब्रांड, मतलब किस किस के लिए TV बनाती है, सैमसंग, पैनासोनिक, ज़ियोमी, TCL जो आप आजकल देख रहे हैं, ये सारे के सारे वन प्लस एंड मैनी मोर्स TV जो बनते हुए नज़र आते हैं, सारे के सारे यही कंपनी बनाती हुई नज़र आती है ये TV। एज वेल एज और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, ये लाइट जो बनाती है फिलिप की लाइट, फिलिप्स की आती है, हैवेल्स की, इसका बजाज, विप्रो, ओरिएंट एंड मोर, ये इसी यही कंपनी बनाती हुई नज़र आती है। एज वेल एज वॉशिंग मशीन की बात करें तो गोदरेज, सैमसंग, लॉयड, पैनासोनिक, ये इसी कंपनी, यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती हुई, और जो कभी मैन्युफैक्चर करती हुई नज़र आती है ना उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। एज वेल एज OEM, ODM, मतलब यहाँ पर पढ़ लीजिए। LED का टेलीविज़न का यहाँ पर 48% का हिस्सा यहाँ पर है, होम अप्लाइंसेंस का, लाइट का, मोबाइल फ़ोन्स का भी 12% का हिस्सा है, 40 मिलियन यूनिट पर एनम यहाँ पर बनाती है। सिक्योरिटी सिस्टम की बात करूँ तो SIS यहाँ पर बड़ा पड़ता है, इस चीज़ को हमें ध्यान में देना पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की और भी चीज़ें, यहाँ पर देखिए रिजल्ट, मतलब हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स नज़र आई है इस बार की, सॉरी इस बार की तो नहीं, अभी अपडेट नहीं हुआ, लास्ट क्वार्टर की, और इस बार की भी सेल्स काफ़ी अच्छी है, इस बात को याद रखना। यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है बट कोई इशू नहीं है, ऐसी बड़ी कंपनी को सब चीज़ माफ़ होती है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, यहाँ पर 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट लिए, लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, और अच्छा खासा ईयरली बेसिस पर तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, और इस बार भी यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई यहाँ पर नजर आई है। हाईएस्ट एवर यहाँ पर ईयरली बेस में यहाँ पर रेवेन्यू भी है, रिजर्व्स अच्छे खासे कंपनी के पास है, डेट भी थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। और बात करें यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो यहाँ पर 4400 से यहाँ पर बिकवाली हुई थी, उस वजह से यहाँ पर बात करें FIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची थी, DIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची थी, वो यहाँ पर गिरावट थी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 35% की है, FIs 20% के लगभग है, 11% के लगभग पर DIs है, और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास केवल और केवल 15% के आसपास ही होल्डिंग है, बाकी HNI और बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर लेके रख रखी है इसकी होल्डिंग। एज वेल एज बात करें यहाँ पर चार्ट की, तो देखिए जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं तो शायद बाजार को पसंद ना आए क्योंकि गिरावट है यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे, एनुअली बेसिस पे तो अच्छा खासा जंप है, बट और इस वजह से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और ये कंसोलिडेशन फेज पे जा सकता है या फिर थोड़ा सा और गिरावट हो सकती है यहाँ पर। बट ये अगर बात करूँ अभी से लेटेस्ट सिनेरियो की, तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा ब्यूटीफुल छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। कौन सा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो आ रहा है कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर, और कप विद हैंडल पैटर्न जब इस तरीके से बनता हुआ नज़र आता है ना तो शेयर ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। बट अभी रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज पे चला जा सकता है और नीचे जा सकता है। बट यहाँ पर अगर बात करें नीचे जाने के चांसेस, अगर नीचे गया तो कहाँ तक जा सकता है, फिर दोबारा उसी लेवल पर आ सकता है 3400 के आसपास। ओके, बट ऊपर के अपसाइड्स देखे तो पर जिस तरीके यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है फिर उस हिसाब से क्या चार्ट पैटर्न बनाता है और फिर क्या रिजल्ट आते हैं पता नहीं, बट अगर इस यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर से मुझे जो रिटर्न नज़र आते हैं तो 26% की अपसाइड यहाँ पर मूव्स नज़र आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर देख लीजिए तो ये शेयर लगभग 51% के आसपास, सॉरी 51 भी नहीं, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें क्योंकि थोड़ा ऊपर हो गया है, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं
अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 5200-5100 रुपये के आसपास का यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न नज़र आता है। बट यहाँ पर इस लेवल से देखते हैं जहाँ पर से अभी ये शेयर चल रहा है यहाँ पर से, तो अगर यहाँ से भी देखते हैं तो यहाँ से भी लगभग 30% के यहाँ पर रिटर्न नज़र हमें साफ नज़र आते हैं। बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज पर जा सकता है, थोड़ा नीचे गिरावट आप पे आपको शेयर मिल सकता है। बट कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, इस बार के रिजल्ट अच्छे नहीं आए बट ईयरली बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है और ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ नज़र आएगा। जिस तरीके के यहाँ पर PLI स्कीम्स एज वेल एज FIs DIs ने होल्ड करके रख रखे हैं, लॉन्ग टर्म की बैट रखो तो ये शेयर और बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको देगा। बाकी बाइंग सेलिंग से रिलेटेड कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल नॉलेज के पर्पज से वीडियो बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।